और इसी बीच आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहां पर टैब वितरण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अर्पणा प्रजापति, डॉटर ऑफ श्री राम प्रजापति, महंत अवैधनाथ पैरा मेडिकल कॉलेज। शगुन सिंह जी, डॉटर ऑफ श्री गिरजय सिंह जी, महंत अवैधनाथ पैरा मेडिकल कॉलेज। रोहित कुमार वर्मा जी, सन ऑफ श्री संतोष जी, राजेश कुमार सिंह। मुकेश गुप्ता जी, पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रज्ञा सिंह जी। नेक्स्ट प्रीति शुक्ला जी, दिग्विजय नाथ पी जी कॉलेज गोरखपुर की छात्रा। नेक्स्ट अमन रेखा यादव जी, अपने स्मार्टफोन को प्राप्त करते हुए श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ से। प्रिया एस, तो सीएम योगी की छात्रों को ये मेगा सौगात। गोरखपुर से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर सीएम योगी छात्राओं को स्मार्टफोन, छात्रों के स्मार्टफोन वितरण करते हुए, साथ ही साथ 330 स्मार्ट क्लासरूम की भी शुरुआत हो रही है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 450 आपको बता दें 4500 छात्र छात्राओं को ये सौगात मिल रही है। सीएम योगी खुद यहां पर मौजूद है। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत योगी सरकार की ये छात्र छात्राओं को सौगात। गोरखपुर से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, युवाओं को सशक्त करना इस योजना का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के चलते करीब 4500 छात्र छात्राओं को, युवाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार इसका नाम है, जिसके अंतर्गत योगी सरकार छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करते हुए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण का कार्यक्रम ये चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे। सुबह भी हमने आपको दिखाया था, जब गोरखपुर पहुंचे जनता दरबार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया गया, और यहां पर जो फरियादी पहुंची उनकी समस्याओं को सुना गया, और इसके बाद अब करीब 4500 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया जा रहा है। गोरखपुर के 141 माध्यमिक विद्यालय में कुल 350 प्रीमियम स्मार्ट क्लास का भी इस दौरान शिलान्यास किया जा रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। करीब 25 करोड़ रुपए की परियोजना का उपहार जो कि गोरखपुर वासियों को मिल रहा है। 26 माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्ट अलंकार के काम, और इसके अलावा 141 माध्यमिक विद्यालय में प्रीमियम स्मार्ट क्लास का शिलान्यास किया जा रहा है। आज शिलान्यास का राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण समारोह फिलहाल किया जा रहा है। मंच से तस्वीरें आप देख रहे हैं। समारोह में करीब करीब 4500 छात्र छात्राओं के स्मार्टफोन और 1500 छात्रों को टैबलेट वितरण किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम योगी छात्रों के स्मार्टफोन देते हुए, टैबलेट देते हुए, साथ ही आपको बता दें यहां पर इसके पहले भी युवाओं को, करीब 1000 युवाओं को पहले स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। यहां पर भी सीएम योगी मौजूद रहे थे, और एक बार फिर से आपको बता दें आज पहुंचे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर। राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक करीब 80,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित अब तक किए जा चुके हैं, और आज प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत 21 राजकीय विद्यालय में 12,05,52,000 रुपए और 5 अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में 5,29,20,000 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर 26 विद्यालय में कुल मिलाकर 17,34,72,000 रुपए इसके जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। भारत माता की। उत्तर प्रदेश की छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मल्ली श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री बिपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी,
महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, श्री ज्योति प्रकाश मस्करा जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्यगण, वर्चुअली जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्यारे छात्र छात्राओं, आज एक साथ तीन बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अभी मंच पर आपने देखा होगा कुछ छात्रों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ। इसके साथ ही गोरखपुर के 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का भी एक कार्यक्रम है और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रदेश भर के हमारे सभी जो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके भी प्रधानाचार्य और वहां के छात्र छात्राएं भी होंगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों छात्र छात्राओं को जो इस अभियान से लाभान्वित होने वाले हैं, विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।